दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरे कर रही है और देशबंधु महाविद्यालय 70 साल पूरे कर रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के गौरवशाली इतिहास में दोनों का भी योगदान बहुत बड़ा है। देशबंधु महाविद्यालय में हमारे ओम प्रकाश कोहली जी जैसे बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पढ़ाई का कार्य किया है। इस महाविद्यालय की ये विशेषता रही है कि देशभक्ति के साथ स्वाधीनता, स्वातंत्र्य और स्वावलंबन की पढ़ाई और संस्कार देने का कार्य इस संस्था ने लगातार किया है। प्लास्टिक मुक्ति से लेकर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक श्रेष्ठ एक भारत बनाने का जो संकल्प था उस अभियान में भी अच्छा कार्य किया है। इस महाविद्यालय की ओर से जो विद्यार्थी तैयार हुए उन्होंने देश के अनेक क्षेत्रों में बड़ा नाम कमाया है। यह महाविद्यालय देश के भविष्य के नागरिकों को निर्माण करने वाला ऐसा महाविद्यालय रहा है कि जिसके कारण हम बहुत गौरवान्वित होते हैं। मैं आज इस 70 साल के उपलक्ष्य में एक तरफ भारत का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और उसी समय में मैं देशबंधु महाविद्यालय के प्रबंध समिति के चेयरमैन श्री आर एन वत्स जी को, सभी सम्मानित सदस्यगणों को तथा प्राचार्य प्रोफेसर राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यरत यहाँ के सभी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सभी पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थी, प्रशासनिक कर्मियों को देशबंधु महाविद्यालय के 70वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से अच्छे नागरिकों का निर्माण करने में ये महाविद्यालय आज तक बहुत आगे था, आघाड़ी पर था, इसी प्रकार से देश के भविष्य के नागरिक यहाँ से तैयार होंगे और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए वो सब बड़ा योगदान करेंगे। यही इतिहास, विरासत और संस्कृति इस महाविद्यालय की है और आगे भी यही काम होगा। फिर से एक बार सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। नमस्कार।